बाघराय इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान जनसत्ता दल और सपा के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। दोनों तरफ से नारेबाजी होने लगी, इससे टकराव की स्थिति बन गई। जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को वहां से हटाया। बाघराय थाना क्षेत्र के नगरहन कापुरवा में शुक्रवार की शाम लगभग 4 बजे के करीब जनसत्ता दल के कार्यकर्ता चौराहे पर खड़े थे। इस दौरान सपा प्रत्याशी गुलशन यादव अपने काफिले के साथ उधर से बेधन गोपालपुर जा रहे थे। चौराहे पर जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं ने राजा भैया जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस पर सपा कार्यकर्ता भी गाड़ी रोककर अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। इस दौरान सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को शांत कराया। इसके बाद दोनों दलों के कार्यकर्ता वहां से आगे बढ़े। शुक्रवार की देर शाम करैनी निवासी सुनील कुमार हरिजन ने बाघराय थाना अध्यक्ष को तहरीर देकर बताया कि सपा प्रत्याशी गुलशन यादव ने उनके साथ मारपीट की और वो धमकी दिया। इस पर थाना अध्यक्ष ने इस मामले से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। शनिवार को सीओ सदर पवन त्रिवेदी नगरहन का पूर्वा चौराहे पहुंचे और घटना की गहनता से छानबीन की। उन्होंने बताया कि गांव में दोनों पक्षों में किसी प्रकार की मारपीट नहीं हुई है। दोनों दलों के कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं के पक्ष में नारेबाजी कर रहे थे।